हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं छोटी थी तभी व्रत रखती थी, कोई भी व्रत होता था, लेकिन जब से मैं बड़ी हुई तब से आज तक कोई व्रत नहीं रखी। और रखती भी कैसे, क्योंकि मेरे घर वाले कोई व्रत रखने ही नहीं देते और बोलते हैं कि पूरा समय है व्रत रखने के लिए, अभी से क्या रखोगी। तो ये व्रत रखने का एक कारण भी है, इसीलिए मैं ये व्रत रखी हूँ और दिल से रखी हूँ ये व्रत। और मैं बहुत बीमार पड़ती थी, कभी बुखार हो जाता था तो कभी कुछ ना कुछ होता रहता था। तो माँ और भाई ने मिलकर, घर वालों ने मेरे मिलकर मेरी कुंडली दिखाए बाबा को, तो बाबा बोले कि इसके ऊपर बला है, वो बृहस्पतिवार का व्रत रखेगी, पूजा करेगी तो वो टल जाएगा। तो इसीलिए मैं व्रत रखी हूँ और रखी हूँ। तो मुझे वो बोले हैं कि 21 बृहस्पतिवार का व्रत रखना है, 21 दिनों तक। तो मैं, मुझे जितना दिन, मतलब मुझसे हो सकेगा जितना दिन उतना दिन मैं रखूँगी, तो इसी के वजह से मैं व्रत रख रही हूँ। और कभी तो जब मैं छोटी थी तभी रखती थी व्रत, लेकिन जब से बड़ी हुई तब से एक भी व्रत नहीं रखी हूँ। यही पहला व्रत है, जब से बड़ी हुई हूँ तब से मैं पहला व्रत है मैं जो रख रही हूँ। तो गाइस, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरे ऊपर जो बला है वो टल जाए और मैं हमेशा स्वस्थ रहूं और मेरी मनोकामना पूरा हो जाए। तो अभी तो मतलब कुछ नहीं किया, अभी सामान मम्मी फूल वगैरह ला कर रख रही हैं, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो जा रही हूँ मैं नहा कर तैयार होने, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ। देखिए, ये है पूजा का क्लास और है मम्मी जो ली है वो फूल और लड्डू और इसका सामग्री है जो पूजा में चढ़ेगा। तो मैं अब चल रही हूँ आप सबको वहाँ लेकर, जहाँ मैं पूजा करूँगी, केले के पौधे के पास। तो मैं पहले से ही, मुझे बताए थे बाबा, तो पहले से ही मैं केले का पौधा लगाई हूँ। इस समय अभी पूरा हरा नहीं हुआ लेकिन पकड़ लिया है। तो यही दिखाई दिखाइए, तो यही वो स्थान है जहाँ मैं पूजा करूँगी। केले का पौधे पर, केले के पत्ते पर बैठकर पूजा करने के लिए बोले थे। तो देखिए, एक केले का पत्ता आया है जिस पर मैं बैठकर ये पूजा करूँगी। बाबा बोले थे कि केले के पत्ते पर बैठकर पूजा करना है। तो बहुत पानी ऐसा निकाल, कितना भी निकाल रहा है। बोलत कहा है गाड़ी में सुनात ना हो।
लड्डू चढ़ाने के लिए पीला और लाल दो कलर का लड्डू लाई हूँ चढ़ाने के लिए। अगरबत्ती है भगवान जी के नाम को सुख देता हूँ। तो गाइज मेरा पूजा संपन्न हो चुका है और मैं जा रही हूँ प्रसाद बांटने। तो पहला प्रसाद आप सबको मैं देना चाहती हूँ, आप लोग मेरा प्रसाद ग्रहण कीजिए और आशीर्वाद और दुआ दीजिए कि मैं कामयाब होऊँ अपनी पूजा में। तो मैं जा रही हूँ प्रसाद अपने दादी बाबा को खिलाने, चलिए मैं आप सबको लेकर चलती हूँ। तो गाइज ये है मेरी दादी और बाबा घर पे नहीं है, मैं जब तक आऊँ उस घर से तब तक बाबा चले गए, वो केला बेचने गए हैं, व्यापार करते हैं और फल वगैरह बेचते हैं, तो वो नहीं है तो उनके लिए मैं प्रसाद रख दूँगी और दादी है तो उन्हें खिला दे रही हूँ। बाकी सबको देना है तो अब बाद में देंगे, अभी कोई आया नहीं है, आ जाएंगे सब तो उन सबको भी खिला दूंगी। और मैं जा रही हूँ, अभी बाकी काम है उसे पूरा करने। मेरी दादी अभी देखिए कितना तंदुरुस्त है और मेरे बाबा भी उससे तंदुरुस्त है, मुझे खुशी है कि मेरी दादी। तो मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि मेरे दादी बाबा हमेशा हमारे साथ रहे। और दादी कहती है और बाबा भी कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, अपने जीते जी तुम्हारी शादी को देख लें। तो मेरा ये सपना है कि पहले मैं जो जिस सपने के लिए मैं लड़ रही हूँ, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो पहले मेरा सपना पूरा हो तब मेरी शादी हो भगवान। और मेरे घर वाले भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं इतना मेहनत करूँ, मेरे मेहनत का फल मुझे मिले। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और मैं